आगाज हो चुका है। गुजरात में जल्द चुनाव होने वाले हैं, अपने आखिरी पड़ाव पर है ये भी कह सकते हैं आप, क्योंकि 1 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, 5 दिसंबर को दूसरे चरण के चुनाव होंगे। ऐसे में यहाँ तीनों पार्टियां कर क्या रही, उनकी तैयारी कितनी, क्या जोर शोर से उतरेंगी, क्या अभी तैयारी नहीं हुई है, या फिर जनता के बीच जाने से डगमगाएंगे, तमाम तरीके के सवाल देखिए यहाँ खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी पर सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है, जाहिर तौर पर यहाँ पर खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर वो बता रही है, दावा ठोक रही है कि हम कांग्रेस को साइडलाइन कर देंगे, कांग्रेस का सफाया कर देंगे, और कांग्रेस का सफाया करके हम ही यहाँ बीजेपी से टक्कर लेने के लिए यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं केजरीवाल अपने तमाम बयानों के जरिए जाहिर कर, लेकिन वहीं कांग्रेस भी अपना चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस साइलेंट किलर के तौर पर भूमिका निभा रही है, और ये जो बयान है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस साइलेंट किलर के तौर पर या साइलेंट प्रचार के तौर पर ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि साइलेंट प्रचार कर रही है कांग्रेस, और बैठकें भी कर रही है, लोगों से मिल भी रही है, डोर टू डोर प्रचार भी हो रहा है, इसलिए उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ सीधे तौर पर कांग्रेस को अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रहे हैं, खुद बीजेपी अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी बता रही है। पर इन दोनों ही पार्टियों का राजनीतिक भविष्य गुजरात में क्या होने वाला है, तमाम बड़े सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। इन सवालों पर चर्चा करने के लिए, जवाब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त शाजिब। तो शाजिब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। शाजिब देखिए, दोनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां बीजेपी से अपना खुद का मुकाबला बता रही है, और ये एक तरफा मुकाबला बता रही है कि हमारे आगे कोई नहीं है, हम बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं। हालांकि सत्ता में बीजेपी है, जाहिर तौर पर मुकाबला उन्हीं से होना है, त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। अब देखिए यहाँ जो दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों को चुनाव से पहले तगड़े झटके, दोनों ही पार्टी, एक पार्टी को 10 बार के विधायक छोड़कर चले गए हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ मोहन सिंह राठवा, वो बड़े विधायक थे कांग्रेस से, वो छोड़कर चले गए हैं कांग्रेस का साथ, और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वहीं दूसरी तरफ इंद्रनील राजगुरु, जिनको कहा जाता है कि राजकोट पूर्व के एक तो बड़े नेता है, दूसरी बात ये कि सौराष्ट्र में एक अहम भूमिका रखते हैं इंद्रनील राजगुरु, उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, और उनको एक अमीर नेता के तौर पर भी देखा जाता है। जब चुनाव प्रचार पिछले समय चुनाव आयोग को उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया था, तो बिल्कुल वहां पर उन्होंने बताया था कि बहुत ज्यादा उनकी संपत्ति है, बिल्कुल 140 या 147 करोड़ समथिंग बताया गया है। तो यहाँ सीधे तौर पर देखिए, इतने अमीर नेता, इतने वर्चस्व वाले नेता दोनों पार्टियों का दामन छोड़कर जा रहे हैं, इन दोनों पार्टियों को तो पहले ही झटका लग गया है, आगे जाकर बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंद्रनील राजगुरु को लेकर के बात है, जो पूर्व राजकोट से विधायक रह चुके, बड़े नेता माने जाते हैं, गंभीर नेता माने जाते हैं, वो अगर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे तो संगठन मजबूती में काफी ज्यादा सहायता यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को मिलती। लेकिन क्या कारण रहा, आखिर क्यों अपना हो सकता है भविष्य नहीं देख पाए होंगे इंद्रनील राजगुरु आम आदमी पार्टी में, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी गुजरात में जमीनी स्तर पर जो रिपोर्ट है उस पर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, जनता को सच्चाई है। और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए इंद्रनील राजगुरु जैसे बड़े और अमीर नेता ने यहाँ पर इस्तीफा जो है दे दिया, पार्टी का दामन छोड़ दिया। वहीं कांग्रेस को लेकर के जहां तक सवाल है कि देखिए कांग्रेस में अब इस्तीफा पार्टी छोड़ना ये नई बात नहीं है, कांग्रेस में अब ये आम हो गया है। आप देखिए ना, गोवा में विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया, उसके बाद तमाम जगहों पर जो है विधायक वो बदलते जा रहे हैं कांग्रेस के। जिस तरीके से 1975 का दौर आपको याद होगा, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, उस समय में जितने भी भगवाधारी और संघ के नेता थे सब डायरी से अपना नाम कटवा करके अपने आप को कांग्रेसी बता रहे थे, क्योंकि इंदिरा गांधी का उस तरीके का खौफ उस समय बन गया था। तो अब देखिए कि ठीक उसी तरीके से हो रहा है कि कांग्रेस को बड़े बड़े नेता जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़े, क्योंकि कांग्रेस में उनको अब अपना भविष्य आगे नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि जो पार्टी 20 राज्यों में काबिज थी वो 2 राज्य पर आ गई है, जो 200 सांसद थी वो 40। सवाल ये भी है कि अगर
कांग्रेस इतना देखिए, जाहिर सी बात है, तथ्य है इस बात के कि कांग्रेस सिमटती जा रही है हर राज्य में, एक राज्य की बात नहीं हो रही है, कुछ ही राज्य ऐसे रह गए हैं जो कांग्रेस के पास रह गए हैं, बाकी राज्यों में उनका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीधा सीधा अपना कॉम्पिटिटर ही बता रहे हैं कांग्रेस को, वो आम आदमी पार्टी को लेकर बिरले आपको बयान देते हुए नजर आएंगे। उन्होंने हाल ही में जो बयान दिया और उस बयान की चर्चा बहुत ज्यादा थी कि आप कांग्रेस को ज्यादा सीधा मत समझो, एक तरीके से उसको तीखी छुरी समझो, साइलेंट किलर के तौर पर काम कर रही है कांग्रेस, साइलेंट प्रचार प्रसार कर रही है। तो यहाँ क्या कांग्रेस से बीजेपी को खतरा लग रहा है या कांग्रेस की चर्चा करके बताना चाह रही है बीजेपी कि मुख्य प्रतिद्वंदी तो कांग्रेस ही रहेगी, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है? देखिए बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का वहां पर वजूद नहीं है क्योंकि पहली बार देखिए अपनी किस्मत वहां पर आजमा रहे अरविंद केजरीवाल, और पंजाब और दिल्ली की सियासत से ये वाली सियासत काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को कम से कम और 5 साल जतन करना होगा, तब जाकर भाजपा के सामने जो है आंख दिखाकर खड़े हो पाएंगे। लेकिन भाजपा के सामने अभी भी आंख दिखा करके खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी नजर नीची करनी पड़ रही है उनको देखने के लिए, सबसे बड़ी बात यह है। और क्योंकि जो गुजरात का इससे पूर्व का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, 12 विधायकों से कांग्रेस चूक गई थी, इस वजह से लग रहा है भाजपा को इस बात का डर कहीं अंदरूनी तौर पर इस तरीके की कोई रणनीति ना तैयार कर दे कांग्रेस जो उन्हें बड़ा घात कर दे, और एक सीट से भी कांग्रेस जीत जाए तो फिर वहां पर जो है बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी, तो यहाँ कांग्रेस अगर एक सीट से जीत जाए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो यहाँ देखिए आखिरी सवाल मेरा ये है शाजिब, कि दोनों पार्टियां तो अपने अपने दावे कर रही है, जनता के सामने अपने अपने पासे फेंक रही है, तो दोनों पार्टियों में से जनता किसको मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर देगी? देखिए बीजेपी को कोई ना कोई पार्टी तो टक्कर देगी, क्योंकि कोई किसी पार्टी को तो टक्कर देनी ही पड़ेगी। कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे भी सकती है, लेकिन सर्वे में जिस तरीके के नतीजे सामने आए, सौराष्ट्र से लेकर और बड़े बड़े जितने भी दक्षिणी गुजरात है, पूर्वी गुजरात है, पश्चिमी गुजरात है, इन सभी वर्गों में, गुजरात के इन सभी वर्गों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है। तो मुख्य विपक्षी पार्टी क्या कांग्रेस ही रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी यहाँ कांग्रेस का सुपड़ा गुजरात से भी साफ करेगी? जब जाहिर सी बात है ये जयंती कि वहां पर आम आदमी पार्टी को अभी जनता उन पर भरोसा करने में वक्त लगाएगी। हो सकता है कुछ वर्ग जो आत्मनिर्भरता को मोदी जी के फॉलो ना कर रहा हो वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन करे, लेकिन ग्राउंड पर आपने भी देखा जो हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर व्यापारियों से भी बात, तो उन्होंने कहा कि हम खुद से कमा लेंगे, हमें फ्री की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर सुरक्षा और इन सब चीजों की बात है। पंजाब की घटना आपको अभी याद दिला दें, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई और वहां पर देखिए खालिस्तानी प्रदर्शन जो है बीते दिनों देखने को मिला। तो ये सारी चीजें देखिए एक अरविंद केजरीवाल के राज्य में हो रही है, तो ये सारी चीजें गुजरात में ना हो इस बात का जनता जो है ख्याल रखी हुई है, और अरविंद केजरीवाल के लिए गुजरात में मुश्किल से देखिए 10 से 12 सीट और वो भी कांग्रेस का काट कर भाजपा को नुकसान करना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल। देखिए भाजपा को नुकसान करना अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ मुश्किल है, हालांकि देखिए दावे बहुत कर रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं काफी ऐसे वर्ग है जिनको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अरविंद केजरीवाल नई पार्टी है। पहली बात तो दिल्ली का विकास मॉडल देख रहे हैं गुजरात के लोग, और कई लोगों को विकास मॉडल पर भरोसा है, लेकिन गुजरात की ज्यादातर अधिकांश जनता का कहना है कि हम फ्री की रेवड़ी नहीं लेना चाहते हैं। अगर फ्री की रेवड़ी केजरीवाल को बेचनी है यहाँ पर, तो वो सीधे तौर पर जाए दिल्ली और दिल्ली जाकर झाड़ू लगाए। हमारे जो यहाँ पर हमारे जो सहयोगी है राकेश मोहन सिंह, वो भी पहुंचे हुए हैं गुजरात, और उन्होंने जो रिपोर्ट की थी, जो हमने आप तक पहुंचाई भी थी, उसमें एक शख्स ने, एक गुजराती जनता ने, आप बोल सकते हैं गुजरात की जनता का मिजाज ये है कि केजरीवाल को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि नई पार्टी है साफ तौर पर और पहले ही उनके लिए माहौल बना चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर सीधा सीधा कांग्रेस की होगी या फिर केजरीवाल की होगी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। दोनों पार्टियों में से मुख्य विपक्षी पार्टी बनती कौन है, सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब मिलते ही फिर हाजिर। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।